सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और फेस्टिवल चले गए हैं और आप सबके जो फेस्टिवल हैं वो किस तरह गए होंगे, उम्मीद करती हूँ काफ़ी सही गए होंगे, अच्छे गए होंगे। सो अब जैसे कि रिएक्शन करेंगे किसके गाने का, यानी कि किसके गाने पर, बब्बू मान साहब जी के गाने पर। सो बब्बू मान साहब जी का ये गाना आया था एक दिन पहले आया था। सो इस गाने को चेकआउट करेंगे 5 बजे। फुल सॉन्ग है, सो एक्साइटमेंट है कि मान साहब जी के गाने पर हम रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इतने यानी कि फेस्टिवल वगैरह थे और इतने दिन के बाद जो है रिएक्शन करने जा रही हूँ तो मान साहब जी के गाने पर। सो गाने को चेकआउट करते हैं, उसके बाद हम इस गाने के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि इस गाने की हम बात कर ही रहे हैं तो ये गाना जो है वो बिल्कुल अलग था। और जैसे कि मान साहब जी अपने गाने लेकर आते हैं उन गानों से,
और साथ ही साथ हम बात करें इस गाने के बीट्स और म्यूजिक की, तो वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट था। यानी इस तरह के बीट्स म्यूजिक जो है वो बाण साहब जी के गानों में ही हमें सुनने को मिल जाते हैं, यानी कि उन्हीं के गानों में ही सुनने को मिलते हैं और किसी गानों में हमें सुनने को नहीं मिलते। जैसे कि यहाँ पर बाण साहब जी ने अपने मन की बात बोली कि 5 बजते ही जो है पैक लगेगा ही लगेगा, तो वो जो गाने का एक अलग ही अंदाज जो कि यहाँ पर निकल कर आया है बाण साहब जी की तरफ से, वो काफी ज्यादा अच्छा लगा। सो यही बात बोलेंगे कि भाई हाँ, ये गाने की वाइब जो थी वो एक पार्टी वाइब थी, और अगर ये गाना जो अगर हमें वीडियो में देखने को मिल जाता तो उसी तरह का ही देखने को मिलता जिस तरह के इस गाने के लिरिक्स थे। तो काफी अच्छा लगा ये गाना, इसके साथ साथ इस गाने का बीट्स भी काफी ज्यादा अच्छा लगा, और अलग तरह से ये गाने को लेकर आया ना मान साहब जी, वो काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि काफी टाइम बाद इस तरह का गाना हम सुन पा रहे हैं मान साहब जी से। सो गाइस, ये था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए मैं मिलती हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।